हिल स्लैम का प्रिय दर्शक, मेरा तरफ से आप लोग को सबको प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जो हिल स्लैम टीवी है, हम लोग जो डिमाहसाओ है, डिमाहसाओ को बनाने में ये सामाजिक बोलिए, सोशली, पॉलिटिकली जो, तो इन ये सब बनाने के आज का जो दिन हम लोग मिला है, ये सब बनने में काफ़ी सारा आदमी का योगदान रहा। और ऐसा एक व्यक्तित्व था माईबांग में जिनका नाम था हमबम भटारी। तो आज उन्होंने हम लोग का साथ नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद हम लोग का साथ है। और उन्होंने क्या किया और कैसे कैसे इंस्पायर होके ये सामाजिक काम में सोशल एक लीडर बना और कैसे करके समाज को सुंदर से सजाने को कोशिश रहा और सबको बता के गया। तो ये सब बातचीत करने के लिए उनका जो सुपुत्रो है, सबसे बड़ा जो लड़का है, वो हम लोग का आज हिल्स लाइफ का स्टूडियो में है, मौजूद है। उनका नाम है श्री हिरणमय भटारी जी। तो ये भी एक आदमी है जो डिमाहसाओ में काफ़ी नौकरी करने के बाद में भी सोशल वर्क्स में, सोशल जो जितना भी सामाजिक अनुष्ठान है, जहाँ पे भी प्रतिष्ठान है वो वहाँ पे रहता है और सबको भलाई के लिए काम करते हैं। जबकि उनका पिताजी का बारे में, इसलिए हम लोग हिल्स लाइफ में ये उनको बुलाया, जो उनका पिताजी के बारे में उनका जितना ज्ञान है वह कैसे कैसे करके इंस्पायर हुआ, कैसे करके सोशल लीडर बना, वो थोड़ा बहुत। तो भटारी जी, हम लोग उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका पिताजी हम लोग मिले नहीं, फिर भी हम लोग अभी भी जानते हैं और कोई भी अच्छा काम में उनका नाम लिया जाता है, जो ये आदमी हम लोग को सोशली बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। तो उनका बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग बातचीत रखेंगे। तो आप पहले से बताइएगा, आप कैसे कैसे उनको मिला, आप बड़ा लड़का है तो उनका जो शासन अनुशासन कैसा रहा और कैसे कैसे काम करते रहे। सबसे पहले मैं हिल्स लाइफ को धन्यवाद देता हूँ आज को इस कार्यक्रम रखने के लिए। स्वर्गीय हमंग भटारी जी मेरा पिता, उनको मैं छोटा ऐसे 8 साल को उम्र से उनसे उनको साथ ज़्यादा मतलब संपर्क में आया जी। तो डाउटवाजा में जब था हम लोग 1958 में जी। नागा को एक हॉस्टल, उस टाइम में हॉस्टल बोला जाता है उन लोगों को। अच्छा। तो उनको अग्रासन हुआ था माईबांग में। तो अच्छा। उसमें मेरा पूरा याद है अभी, मेरा उम्र उस साल उस टाइम में 8 साल को जी। था जी। उस टाइम में पूरा डाउटवाजा को जितना भी पब्लिक है जी। स्टेशन मास्टर से लेके उन सबको इकट्ठा करके हम लोग को एक छोटा सा दुकान था वहाँ में। अच्छा। ग्रोसरी दुकान। अच्छा। वहाँ में सबको इकट्ठा किया करके पिताजी का एक बंदूक था उसमें, उनको साहस मैंने देखने मिला। अच्छा। अकेला दरवाजा में उस बंदूक लेके रात भर ड्यूटी किया। अच्छा। और हम सबको सीलिंग को ऊपर में रखा गया है। अच्छा। इतना डाउटवाजा को लोगों को। तो उसको बाद उस टाइम से मतलब बहुत डिसिप्लिन था, अनुशासन उनको बहुत तगड़ा था जी। और जितना भी लोग डाउटवाजा के सब भी उनको बहुत मानता था, डर भी करता था। डर करना मतलब इज्जत देना, रेस्पेक्ट देता है। इसीलिए उनको जो डिसिप्लिन और सिंपल लिविंग। अच्छा। एक धोती पहनता था, खद्दर का एक शर्ट, और उस टाइम में नेहरू कोट बोला जाता है, इस तरह कोट लगाता था। और वही मरते तक, मरने के दिन तक वही ड्रेस में उनको हमने देखने मिला। और साहस के साथ साथ उनको स्पोर्ट्समैन भी बोला। अच्छा। जाता है। अच्छा। डाउटवाजा में ऐसे कुछ खास ये नहीं था, छोटा सा एक फील्ड था। हर एक साल
स्वाधीनता दिवस जो होता है 15 अगस्त 26 जनवरी में, गांव को लोगों को इकट्ठा करके वहाँ खेल कूद को भी आयोजन करता था। तो उसमें पिताजी भी भाग लेता था, पिताजी गोलकीपर में खेलता था। अच्छा, तो ऐसे में भी समाज को काम में भी उसको वहाँ में बहुत सा ऐसे तो एक एलपी स्कूल ही था वहाँ पे जी। तो एलपी स्कूल में रविवार को दिन छुट्टी के दिन में सोशल वर्क ऐसे कराता था वो छोटा टाइम में हम लोग स्कूल में। उस जमाने में, उस जमाने जी 1958-59 को बात है, तो उसमें हम क्लास बी में था, ए बी होता था उस टाइम में जी, तो वहाँ उसको बाद माइबंग में उन्होंने सोचा जो डाउटवाजा में तो बैठने से लड़का बच्चा लोग को पढ़ाई को सुविधा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने माइबंग में शिफ्ट किया है। अच्छा, उसको बाद में माइबंग में बहुत सा सोशल वर्क, अभी जे बी हगजर पार्क बोल के हम लोग जानते हैं, उसी पार्क में भी हम लोग सबको सोशल वर्क करके, उसको बाद हॉस्पिटल में कोई भी अनाथ आदमी और बीमारी ऐसे भी होता था जो कोलेरा उस टाइम में बहुत काफी यह था, तो कोलेरा में जो मरता था उसको लोगों ने भय करता था। अच्छा, उसको सामने में तो पिताजी क्या करता था, अपने घर से वो चटाई कपड़ा सब लेके ऐसे लोगों को बुलाता था जो उनको मानता है, उस उन लोग को लेके भी दाह क्रिया, कोई किसी को कबर देना ऐसे में भी काम किया, वो भी हम लोग देखा है जी। उसको अलावा कोई भी ये में आजकल तो सोशल वर्क्स बोल के हम लोग देखता भी नहीं, करता भी नहीं, कोई सुनता ही नहीं जी। तो हर एक संडे में गांव में बाजार में ऐसे में भी सोशल वर्क कराता था। अच्छा, उसमें हम भी खुद जाने पड़ते, हम भी कितना बार गया है। अच्छा, अभी माइबंग में जो पीडब्ल्यूडी रोड आपको थाना को पास से लेके जो पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस होके फिर दामाडी हावर आके हगजर पार्क में निकला है जी, वो उस टाइम में पूरा सबको जमीन था। अच्छा, उसमें सोशल वर्कर में हम खुद भी भाग लिया। अच्छा, और काफी लोग सिर्फ डिमासा समाज नहीं, बंगाली समाज से भी आया, देशवाली समाज से भी आके वहाँ सोशल वर्क किया, फुटफाट किया है। काफी लोगों से उनको संघर्ष होने पड़ा उस टाइम में। अच्छा, गाली भी खाने पड़ा, झगड़ा भी किया है। अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वो लीडिंग पार्ट लेके उसको जबरदस्ती ऐसे ही बोलने पड़ेगा, वो फुटफाट किया, उसको बाद में आज वो रास्ता पूरा रास्ता मोटरेबल होके है और सबको लिए सुविधा भी हुआ। उनको अलावा और भी दिमाशा समाज के लिए जैसे होजाई को पास एक गांव है, वहाँ में अपना राजा को टाइम में उन लोगों को कुछ दूस मिलने के कारण उन लोगों को डाउनो होनो नाइया जिमासा में ऐसे बोलता है। अच्छा, मतलब सुअर और मुर्गी देखने को दायित्व दिया गया है, एक पनिशमेंट दिया गया है। अच्छा, उनको जो फोर फादर लोग को। अच्छा, उसको बाद में वो राजा को टाइम को बात है, उसको बाद में अभी भी उसको दिमाशा समाज में मतलब पिताजी के अमल तक उसको उसूस बना के दिमाशा समाज में उन लोग को कोई या नहीं है। ठीक, तो वो भी पिताजी को लीडिंग पार्ट से उन्होंने ही उसमें लीडिंग पार्ट लिया, उस एरिया को लंका होजा एरिया को जितना भी सोशल गांव बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिला, यहाँ में अपना जो डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे लोगों से मौजादार से बातचीत करके उन लोग को परावर्तन बोल सकता है हम लोग जो समाज में फिर से उन लोग को उठाया। आज अभी वो गांव में करीब 200-300 घर होगा, उन लोग को दिमाशा समाज में स्थान मिला है। मतलब एक प्रथा था
और जैसे वो उस कुसंस्कार वो जो भी वो एक प्रथा था जी, जी, तो वो प्रथा को उन्होंने रिफॉर्म किया संस्कार लाया जी जी जी। तो एक रिफॉर्मर जैसा भी हम लोग बोल सकते हैं उनको जी जी जी, सोशल रिफॉर्मर जैसा। तो हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे, जबकि आप एकदम क्लोजली थे उनका साथ, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनका डिसिप्लिन अब उनका मूल मंत्र क्या था, किस लिए उन्होंने ऐसा करके जाने से कहा, और ये संघर्ष करते करते भी समाज का अच्छा के लिए काम करते रहा। उन्होंने हमेशा ऐसे बोलता था हम लोग को जी, जो स्वर्गीय जयभद्र हाजिर जी जी उनको गुरु मानते थे। अच्छा, उनको जयभद्र हाजिर को मैं शिष्य हूँ। जयभद्र हाजिर जी भी डिमासा समाज को कुछ संस्कार देने के लिए मुर्गी पालना सुअर पालना बंद किया था जी। उसमें भी पिताजी भाग लिया और गांव गांव में जाके वो बोलता, हम लोग को बोलता था, घर में जो भी हम लोग को साथ में बैठा था वो ऐसे बोलता था, जो डिमासा समाज को संस्कार दिलाने के लिए हाजिर जी ने ऐसे किया था, उसमें हम भी बहुत सा गांव में गया है, बताया है, वो हुआ भी था बाद में, वो फिर थोड़ा पॉलिटिकल यह हो गया, उसको बाद में हाजिर जी भी और उसमें इतना आगे नहीं बढ़ा। तो ये रहा थोड़ा बहुत जो है आज। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से हम लोग बात तो जारी रखेंगे। एक्सेल पब्लिक स्कूल लोखरा गुवाहाटी, एडमिशन ओपन फॉर क्लास 11 इन साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। व्हेनेवर यू आर एट हफलोंग, प्लीज ड्रॉप इन मोंटी स्टोर हफलोंग मेन मार्केट फॉर क्वालिटी एंड ब्रांडेड गारमेंट्स एंड आल्सो एट रीजनेबल रेट्स। हम लोग फिर से छोटा सा ब्रेक के बाद आए और ये बात हम लोग जारी रखेंगे। तो हम लोग भट्टी से फिर से जानने की कोशिश करेंगे, जो उनका जो पिताजी, उनका जो पिताजी का मूल मंत्र क्या था और कैसे करके जो समाज का आदमी में उनका जो प्यार, उनका जो प्यार डिसिप्लिन सख्त था, फिर भी अनुशासन सख्त था, फिर भी पब्लिक जो सभी समाज का आदमी उनको प्यार भी करता था, रेस्पेक्ट भी करता था, ये कैसे कैसे उनको उन्होंने ये मेंटेन किया? ये मतलब पिताजी ऐसे भी था, अनुशासन को साथ साथ डिसिप्लिन को साथ साथ उनको जोक बोलने में अच्छा, जोक करने में अच्छा, जोकर जैसा अच्छा, अच्छा जोक भी कर लेता था, फुर्ती लाने के लिए। तो उनको ऐसे भी हुआ है हाफलोंग में और दूसरा दूसरा जगह में भी। हम लोग को क्या होता है, डिमासा समाज में जब भी आदमी मरता है रात भर वो आदमी को हम लोग रात भर उसको औरत बुजुर्गो लोग बा समाज के सब लोग रात भर रखता है। अगर रात होता है उसको दाह नहीं करता है, दूसरा दिन करता है, क्योंकि उनको जो क्लोज रिलेटिव है उनको आने के लिए हम लोग समय देता है। अच्छा। तो रात भर अगर यह होता, उसमें थोड़ा तकलीफ होता है लोगों को, रात भर रोना, रात भर उसको लिए चिंता करके बैठना। तो इसके अलावा जो श्राद्ध होता है हम लोग को, श्राद्ध भी दो दिन को था। पहले दिन वो उनको रिलेटिव आता था, सबको लिए खाना उना बनता था। तो दूसरा दिन शुद्ध, पहले दिन श्राद्ध होता है, दूसरा दिन शुद्ध हो, ऐसे में फिर दो दिन को प्रोग्राम होता है। तो उसमें जो सीनियर सिटीजन, जो उम्र बुजुर्ग लोग है, उन लोग को एक ड्यूटी है रात भर नाइस होके वो पेंडल के नीचे में बैठना है जी। तो रात भर नाइस होके ऐसे ही मतलब सब बोरिंग हो जाता है जी। तो उसमें पिताजी को हायर करता था। अच्छा। पिताजी का हायर करके उनको जोक बोलने के लिए दायित्व दिया जाता है, और पिताजी जोक बोलते बोलते कब सुबह होता है उन लोग को पता ही नहीं चलता। अच्छा। तो इसमें सिर्फ खाली श्राद्ध फंक्शन में या मरने में ऐसे नहीं, दूसरा कोई भी फंक्शन में उनको कोई जगह कुछ या होने से उन्होंने
सब चीज को साथ साथ कभी कभी जोक भी बताता था। अच्छा। तो उसमें लोगों ने उनको आकर्षित हो गया जी। सब भी अच्छा लगता था उनको बात सुनने में, और कभी भी वो भाषण देने में, वो भाषण में भी उनको ऐसे में भी रोज डाल देता। अच्छा। उसमें सब लोगों को हंसने भी पड़ता है जी, इसीलिए उनको सब भी आदर करता है, मानते भी है। उनको बाद में बहुत मिठाइयाँ भी है, ऐसे में भी बोलते। अच्छा। तो इसीलिए उनको सब भी मानते थे, और कोई भी ऐसे उनको जो विचार धारा किसी चीज में बोलने से वो सही विचार को बात बोलते थे, किसी को साइड नहीं लेते थे। अच्छा। निरपेक्ष। हाँ, निरपेक्ष थे, इसीलिए सब भी उनको मानते थे। तो उसको साथ साथ और भी डिमासा समाज में जितना भी पूजा है जी, हम लोग को बहुत बड़ा पूजा होता है, 7 साल में एक बार होता है। उसमें सभी जो डाइको बोलता है हम लोग जी, वो डाइको में उनको पूछना, और डाइको को जो हम लोग को पुजारी है उन लोग से मिलना जी। तो इसीलिए जितना भी गांव के लोग आए सब भी उनको बहुत अच्छा मानते था, उनको बात जो भी बोलता है वो मानते थे। ऐसे में भी मतलब सभी लोग से उनको ऐसे मिलना, और गांव में जाने से क्या करते थे, हम भी बहुत बार साथ में गया जी। वो बच्चा लोगों को लिए भी मिठाई या कुछ ऐसे ले जाता था। अच्छा। बच्चा लोग देखने से सबको बुलाए के किसी को चॉकलेट, किसी को बिस्कुट, किसी को मिठाइयाँ, ऐसे में भी बांटते थे। तो बच्चा लोग भी उनको देखने से बहुत अच्छा मिलता था। वाह। वो उनको सब भी खुंजोपा खुंजोपा मतलब उनको सबसे बड़ा लड़की है, हमसे भी बड़ा है, इसीलिए खुंजोपा आया ऐसे में भी बोल के सब जमा हो जाता है। बच्चे लोग, जवान लोग, बुरा बुरी सब भी मतलब आकर्षित हो जाता था। अच्छा, हम लोग और थोड़ा जानने की कोशिश करिए, इनका नाम तो आजकल बहुत सारे आदमी का मुंह में रहता है, वो भी रहेगा और भी रहेगा जितना दिन महोत्सव है, और महोत्सव का अच्छा के लिए उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक बात हम लोग जानने को कोशिश करेंगे, जो उनका सोच विचार तो आपने मिला, आप भी उसमें, तो आप लोग को किस में ज़्यादा इंस्पायर करते थे, आप लोग को कौन सा जगह में, जो एडुकेशन में या सोशल वर्क में या आदमी का दुख दर्द देखने में, ऐसा क्या क्या सब्जेक्ट में आपको इंस्पायर करते थे आपको पिताजी? हम वही मरने को 2-3 साल पहले से आगे भी बोलता था जी, जो डिमासा समाज बा हम लोग को जो डिस्ट्रिक्ट को जो जो भी समाज को लोग है जी, जेमी बोलिए, दूसरा समाज बोलिए, सब भी लिखा पढ़ा में बहुत कमजोर कम है, और समाज में भी बहुत सा कुसंस्कार जैसा, कुसंस्कार बोल सकता है, ऐसे में भी बहुत सा है, इसको दूर करना है, इसलिए सोशल रिफॉर्म में ज़्यादातर उन्होंने हम लोग को एडवाइस किया है, जो उसमें थोड़ा सोचना है। इसीलिए उन्होंने दारा दिशा दल डिमासा को एक संगठन भी खड़ा किया है जी माईबंग में। अच्छा। उसमें उन्होंने प्रपोज किया है, गिरीश राजयुंग, स्वर्गीय गिरीश राजयुंग जी को प्रेसिडेंट बनाया, खुद सेक्रेटरी होके। उस टाइम से हम लोग को डिमासा समाज में ऐसे भी है, जो कोई भी लड़का या लड़की दूसरा जात को अगर शादी करता है, उसको समाज से समाजच्युत कर देता है, बाहर कर देता है जी। उसको समाज में कोई जगह नहीं। अच्छा। उसको अलावा फिर ऐसे भी है, जो अपना क्लैन में जो शादी करता है उसको भी बाहर कर देता है, उसको भी समाज में कोई स्थान नहीं है। तो उसमें ऐसे लोग था, तो पिताजी ने ही संगठन गठित किया है, उसको बाद में तो परावर्तन वापस ले आने में ऐसे में भी काम करना शुरू किया है। अच्छा। तो ऐसे में भी अभी
नाम बताने से बहुत काफ़ी लंबा है। अच्छा, बहुत सा ऐसे में भी हम लोग जो समाज को बाहर में जो यह किया था उन लोग को रखा था, उन लोग अभी अपना डिमासा समाज को साथ वापस आके समाज में हम लोग एक साथ सब एक साथ अभी है। तो उसको बाद में काफ़ी संस्कार हुआ, लेकिन वो करने में काफ़ी उनको बात सुनने पड़ा समाज को, लोगों से या दूसरा दूसरा मीटिंग बुलाए के फाइन कराएगा उनको, पेनल्टी कराएगा, इतना तो भी बात हुआ है, लेकिन वो कोई यह नहीं करके जी वो सब बात टाल के वो अपना काम जो ये तो हमारा अच्छा कर लिया, अच्छा के लिए है, जिमासा समाज ज्यादा आदमी का अच्छा कर लिया, इसीलिए वो उन्होंने वो पूरा उसको कुछ भी नहीं सोच के अपना काम अपना कर्तव्य सोच के करके गया है। तो ऐसे ही माफी पूजा में बोलिए, और एक टाइम में उन्होंने और उनको लिए कोई सिर्फ डिमासा नहीं, जी जी यही बात जो उनका जो हर कम्युनिटी के साथ हर कम्युनिटी बंगाली बोलिए देशवाली और जीवन माने एक टाइम में उन्होंने माईबंग मस्जिद कमेटी को प्रेसिडेंट भी था। वाह, इतना इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए उनको लिए कोई भी जात या कोई भी धर्म सब समान है, सबको अपना इश्यूज के यह करता था। और जो भी जैसे एक भाषा को यह हुआ था आंदोलन, वो साल तो हमारा ठीक याद नहीं है, नौगांव में कुछ घटना हुआ था, होजाई में अनिल बोरुआ ना बोरा उनको मर्डर किया था, उसको हवा कुछ इधर में माईबंग में आने लगा, तो उसमें भी पिताजी खड़ा होके जितना बंगाली भाई है बंगाली समाज के लोगों को बुलाया, आसामीज जो है जो नौकरी करने वाला पीडब्ल्यूडी इरीगेशन तो सबको बुलाए के होजाई में कुछ हो सकता है, लेकिन होजाई के कोई बीमार वह हवा माईबंग में फैलने नहीं देगा, ऐसे में भी पूरा उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दिया। उसको अलावा एक सिलचर में यार एक घटना हुआ था, मिजो बंगाली कुछ संघर्ष हुआ था कुछ कारण से, उसमें एक डिमासा तर्पण बोडो उनको मिजो सुस के लुसाई सुस के सिलचर में कुछ दुर्वृत्त लोग ने मारा है, उसको बाद डेड बॉडी भी नहीं मिला उनको, उनको वाइजोल ले गया, उसमें भी डिमासा बंगाली को कुछ संघर्ष होने के ऐसे में भी स्थिति हो गया था जी। उसमें भी पिताजी सामने खड़ा होके डिमासा समाज और बंगाली समाज सबको बुला के मिला के वो भी जो भी हुआ सिलचर में हुआ कुछ कारण से हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं, हाँ तर्पण बोडो को मरने के लिए दुख तो हमारा भी है, लेकिन हम लोग को यहाँ में ये कोई ऐसे में भी कम्युनल संघर्ष होने को नहीं दें, नहीं होना है, ऐसे में भी खड़ा किया, ऐसे में भी होके कुछ भी नहीं हुआ, आराम से वो चीज भी सब सेटल हो। तो ऐसे में भी कोई भी या में भी उन्होंने ऐसे भाग लेता था। तो हम लोग तो ये बड़ा आदमी का हम लोग एक आशीर्वाद भी है, इंस्पायरेशन भी लेना है, जो कि हम लोग का डिमासा सजाने को काफ़ी काम किया और काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम लोग का उनका जो सुपुत्र है सबसे बड़ा लड़का है, उन्होंने काफ़ी बात आप लोगों को सुनाया, शायद अब हम लोग भी बहुत सारा बात उनका बारे में इतना कुछ खुलासा हुआ भी नहीं, फिर भी जितना भी जानकारी लिया और उनका आशीर्वाद लेके चलिए हम लोग डिमासा उसको उनका जैसा बनाने को कोशिश करें। ये जो हम लोग का जितना भी सोशल लीडर्स है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अच्छा बनाने के लिए कोशिश किया, वो कोशिश में हम लोग सभी आके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिरणमय भतारे जी, धन्यवाद।